नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मुंबई हमले मामले में भारत ने पाकिस्तान को लिखी चिट्ठी, कहा मुंबई हमलों की जांच में लाओ तेजी, मामले में तेजी लाने के लिए पत्र में सुझाए कई उपाय। अमेरिका में लूटपाट की जांच के दौरान पुलिस ने 13 साल के अश्वेत युवक को मारी गोली, अश्वेत युवक पर था हथियार रखने का शक, सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया विरोध। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 4% आर्थिक विकास को बनाऊंगा राष्ट्रीय लक्ष्य, गैर रक्षा क्षेत्र पर हर साल होने वाले खर्च में 1% की कटौती करने का दिया प्रस्ताव। व्हाइट हाउस ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, पीएम मोदी को दिया पेरिस जलवायु समझौते का श्रेय, कहा इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। तंजानिया में मिला लापता MH370 विमान का मलबा, बीजिंग जाते वक्त हो गया था लापता, मलेशियाई सरकार ने की पुष्टि, सर्च ऑपरेशन में खर्च हुए 912 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी डॉक्टर ने किया दावा पार्किंसंस का इलाज हो सकेगा संभव, पार्किंसंस में मस्तिष्क की वे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं जो शरीर की गतिविधियों को संदेश देती हैं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।